यस, डिक्टेशन की गति है 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तब तक के लिए रेडी रहें। स्टार्ट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बुधवार को लोकसभा में परंपरा के मुताबिक सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस दौरान सदन में जिस तरह का माहौल रहा और जैसी बहस हुई, वह देश में स्वस्थ लोकतंत्र की मजबूत जड़ों को लेकर आश्वस्त करने वाला है। बेशक इस दौरान तीखे भाषण हुए, विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया और सरकार की ओर से उसका जवाब भी दिया गया, लेकिन यह तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय चर्चा का अभिन्न हिस्सा होता है। खास तौर पर मौजूदा सत्र की बात की जाए तो विपक्ष की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग है। अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट के बाद इस ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट आई और उसके लगाए आरोपों का भारतीय कारोबारी समूह ने जवाब भी दिया। इससे जुड़े पहलुओं पर बैंकिंग और शेयर बाजार नियामकों की ओर से भी पहल हुई। ऐसे में संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग इस मुद्दे का सियासी पहलू ही है। इससे बड़ी बात है कि नियामक संस्थाओं की ओर से इस मामले पर तस्वीर जल्द से जल्द साफ हो। उसका कारण यह है कि शेयर बाजार किसी भी तरह की अनिश्चितता को ठीक नहीं मानता, इसलिए जितनी जल्दी तस्वीर साफ होगी उतनी ही जल्दी इस मामले का साया स्टॉक मार्केट से हटेगा। विपक्ष ने पहले इसी मुद्दे पर सदन ठप कर रखा था, फिर उसने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होने का फैसला किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के क्रम में सरकार पर कई आरोप लगाए। इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सत्ता पक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेता ने सदन के मंच का दुरुपयोग किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का समापन विपक्ष पर चुटकी लेते हुए किया। उन्होंने कहा कि जैसे सच सुनने के लिए साहस की जरूरत होती है, वैसे ही झूठे और गंदे आरोप सुनने के लिए भी हिम्मत और धैर्य की जरूरत होती है। ऐसा साहस और धैर्य दिखाने के लिए उन्होंने साथी सदस्यों का हंसते हुए धन्यवाद किया। जहां तक विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का
की बात है। तो इशारों में प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के अच्छे कामकाज और इस दौरान हुई उपलब्धियों का जिक्र करके उनका जवाब भी दे दिया। उन्होंने बताया कि उनके शासन काल में पूरे देश और देशवासियों की उन्नति हुई है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का ज़्यादातर आधार कृषि से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए सुनने में आता है कि भारत के 70% लोग किसान हैं। स्टॉप, पूर्ण स्टॉप। दोस्तों, यदि आपको इसकी आउटलाइन भी चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाकर स्टेनो जंक्शन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इसकी आउटलाइन भी आपको दी गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।